कोरोना की दूसरी लहर के बाद जनजीवन सामान्य अवस्था में लौट रहा है। प्रायः देखने में आ रहा है कि लोग पुनः कोरोना से सुरक्षा संबंधी निर्देशों को नजरअंदाज करने लगे हैं। जब तक टीकाकरण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, तब तक हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हम में से कई लोगों ने मास्क का उपयोग करना छोड़ दिया है। इस प्रकार की लापरवाही तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकती है। इसी के तहत आज जुलाई दिन शनिवार को जागरूकता लाने और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कोटा पुलिस ने मेरा मास्क मेरी जिम्मेदारी के तहत आश्रय निष्ठा वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर व एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कोटा के सहयोग से लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया, साथ ही साथ लोगों को मास्क का वितरण भी किया। इस जागरूकता अभियान की शुरुआत ग्राम गनियारी से की गई, जहां लोगों को 500 मास्क बांटे गए। उसके पश्चात कोटा नगर के नाका चौक में लोगों को 500 से 600 मास्क बांटकर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों को ये संदेश दिया कि दूसरी लहर में हम लोगों ने अपनों को खोया है, इसलिए हम सब की जवाबदारी बनती है कि तीसरी लहर के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। कोरोना की तीसरी लहर में हम अपनों को ना खोएं, इसलिए जब भी हम घर से निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। और साथ ही साथ दुकानदारों से निवेदन किया कि बिना मास्क के कोई भी ग्राहक सामान लेने आता है तो उसे सामान ना दें, पहले उसे मास्क लगाकर आने को कहें। समय न्यूज़ के लिए रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।